ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको IT 430 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इसमें सबसे पहले ये कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को जो है वो मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ की लेंथ इनको जो है वो मेजर किया जाता है। उसके बाद ये कि स्विच इज यूज ऑन द लेयर, स्विच जो है वो यूज किया जाता है कौन सी लेयर के ऊपर, सेकंड लेयर के ऊपर, सो सेकंड लेयर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि ANSI स्टैंड्स फॉर, ANSI जो है वो एक एब्रीवेशन, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो करेक्टराइजेशन है और क्लस्टरिंग है ये बिलोंग करता है कौन सी टाइप से डेटा माइनिंग की, सो इसका जवाब है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि EDI स्टैंड्स फॉर, EDI जो है वो एक एब्रीवेशन, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। उसके बाद ये कि व्हाट डस प्लस प्लस ऑपरेटर डू, अब ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है, ये करता है एड वन टू ए नंबर, सो एड वन टू ए नंबर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि फॉलोइंग आर मेलिशियस प्रोग्राम एक्सेप्ट, ये तमाम जितने भी ऑप्शंस दिए गए आपको ये मेलिशियस प्रोग्राम है सिवाय एक को छोड़ के, सो वो है फायरवॉल, फायरवॉल नहीं है, इसी वजह से फायरवॉल इसका आंसर है। उसके बाद ये कि सपोज यू वांट टू सर्च फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी डेटाबेस, आप जो सर्च करना चाहते हैं सपोज करें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेटाबेस से कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन MBA, के कितने स्टूडेंट्स ने MBA लिया है स्पेसिफिक इन अ स्पेसिफिक सेमेस्टर इन दिस सिनेरियो, आप इस सिनेरियो के अंदर आप क्या कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ डेटा माइनिंग यू आर यूजिंग, किस तरह की डेटा माइनिंग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये है करेक्टराइजेशन, ये यहाँ पर करेक्टराइजेशन वाली डेटा माइनिंग जो है वो यूज की जा रही है। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट मोड, कौन सा पेमेंट मोड जो है रिक्वायर नहीं करता कस्टमर को कि वो पे करें इंटरेस्ट जो है बैंक को हर ट्रांजेक्शन के ऊपर, सो ये जो है डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड जो है वो ऐसा होता है कि उसमें इंटरेस्ट जो है वो नहीं होता रिक्वायर हर ट्रांजेक्शन पे। उसके बाद ये कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, कौन सी जो प्रॉपर्टी है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की वो यूज़ की जाती है क्रिएट करने के लिए कुकी, वो है कुकी, इसका जवाब है कुकी, कुकी ही इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है नॉट एन आइडेंटिफाइड बिहेवियरल मोड, वो नहीं है आइडेंटिफाइड बिहेवियरल मोड ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स का वेब के ऊपर, वो है सेलर्स, सेलर्स जो है, बाकी ऑप्शन जो है वो ब्राउजर है, बायर्स है और शॉपर्स है, सेलर्स इसका आंसर है। उसके बाद ये कि रिस्क मैनेजमेंट जो है इज द पार्ट, वो पार्ट है कौन सी एक्टिविटी का, सो वो है ई कॉमर्स का, सो ई कॉमर्स का। और उसके बाद ये है कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो सब्स्टिट्यूशन है ट्रेडिशन बैंकिंग का, इज इट, सो इसका आंसर है ट्रू। और उसके बाद ये है कि डैश मीन्स सर्विसेज इन रिलेशन टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म टू वन डेट कैन नॉट बी अंडरस्टूड और डिकोडेड बाई एनी अनऑथराइज पर्सन, यानी कि इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है डॉक्यूमेंट को कि उसको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, डिकोड नहीं कर सकता कोई भी जो अनऑथराइज पर्सन है, सो ये होती है क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज, क्रिप्टोग्राफी सर्विसेज कहलाई जाती हैं। और उसके बाद ये कि विच टाइप ऑफ एल्गोरिथम, कौन सी एल्गोरिथम जो है वो यूज़ की जाती है वर्चुअल पिन सिस्टम से इंक्रिप्शन के लिए, सो इसमें से नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव इसका आंसर है, कोई भी नहीं। और उसके बाद ये कि ईच लेयर एक्सेप्ट हैज गॉट अ हेडर, सो वो है फिजिकल लेयर इसका आंसर, फिजिकल आंसर। उसके बाद ये कि विच वन इज नॉट दी लाइफ साइकिल स्टेज, इनमें से कौन सी जो है वो लाइफ साइकिल स्टेज नहीं है कस्टमर रिलेशन की, वो है कैंसिलेशन, सो कैंसिलेशन इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन है अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन और फेमिलियरिटी। उसके बाद ये कि ट्रेडिशनली मार्केटर्स जो है वो यूज करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन लाइक, सो इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर सेगमेंटेशन के अंदर जोग्राफिक सेगमेंटेशन भी आ जाती है, डेमोग्राफिक भी आ जाती है और साइकोग्राफिक भी आ जाती है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि एन एड्रेस, एक एड्रेस जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 4 डेसिमल नंबर से, सेपरेटेड किया जाता है पीरियड से, वो क्या है, वो है IP, सो IP इज द आंसर। और उसके बाद ये कि हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स, कौन बना रहा है वेब स्टैंडर्ड्स, कौन बना रहा है, वो है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है कि डेटा माइनिंग जो है इम्प्रूव कर सकती है रिस्पॉन्स रेट जो है ट्रेमेंडियसली, सो वो है पर्सनलाइजेशन टेक्नोलॉजी,
पर्सनलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद ये कि इंडिविजुअल्स जो कि राइट करते हैं प्रोग्राम्स या मैनिपुलेट करते हैं टेक्नोलॉजी के हासिल कर सकें अनऑथराइज एक्सेस जो है कंप्यूटर्स तक भी और नेटवर्क तक भी, यानी कि ऐसे लोग सिंपल वर्ड में बात की जाए जो ये चाहते हैं कि अनऑथराइज उनको एक्सेस मिल जाए कंप्यूटर्स तक और नेटवर्क्स तक भी। सो वो जो है कौन है, वो हैं हैकर्स, वो हैं हैकर्स, वो हैं हैकर्स। उसके बाद ये कि व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल फॉर इंसर्टिंग एन इमेज, करेक्ट एचटीएमएल इमेज से क्या है इंसर्ट करने के लिए एक इमेज। सो सेकंड वन जो ऑप्शन है जिसमें एंगल ब्रैकेट के अंदर इमेज src इज इक्वल्स टू और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इमेज डॉट गिफ आ रहा है। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इन एक्सएमएल, एक्सएमएल के अंदर इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट टैग के अंदर दूसरे जो एलिमेंट होते हैं वो इनक्लोज होते हैं, ये है रूट एलिमेंट, रूट एलिमेंट इसका आंसर है। सो आंसर इज द रूट एलिमेंट। उसके बाद ये कि विच एंटिटी डज नॉट इंक्लूड इन एसीटी, कौन सी एंटिटी जो वो इंक्लूड नहीं होती है एसीटी में, यानी कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, ये है बैंक, बैंक इसका आंसर है। बाकी है बायर सेलर पेमेंट गेटवे। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ई कॉमर्स, इनमें से कौन से जो है वो बैरियर्स होते हैं इंटरनेशनल ई कॉमर्स के लिए, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी है एडवर्टाइजिंग पेटेंट्स और कैपिटल। उसके बाद ये कि एक पेपर सिग्नेचर इज बिलीव टू बी मोर रिलायबल, पेपर सिग्नेचर को ज़्यादा रिलायबल समझा जाता है डिजिटल सिग्नेचर के मुकाबले में, तो ये बात जो है वो गलत है, इसका आंसर है ट्रू, ओ सॉरी फॉल्स, फॉल्स आंसर है इसका, लास्ट वन का फॉल्स आंसर है। उसके बाद ये कि विच डिवाइस यूजेस, कौन सी डिवाइस जो यूज करती है आईपी एड्रेस, सो वो है राउटर, राउटर इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है इज ऑल्सो नोन एज, वो जानी जाती है इनमें से कौन सी बैंकिंग के तौर पर भी, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर आ जाता है, जिसके अंदर साइबर बैंकिंग भी है, वर्चुअल भी है और ऑनलाइन भी है। सो ऑल ऑफ दी अबव जो है इसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।